अजीज तलबा व तलबात असलकुम वरम वक् सबक नंबर छः रस्तम व सौराब खे पर मुबनी सरगर्मियाँ नंबर एक सबक से मौजूल लफ्ज़ तलाश करके शब की खाका मुकम्मल कीजिए तो यहाँ पर खुदा को पुकारने के अल्फाज ऐसा एक सवाल दिया गया है उसके चार जवाब हमको लिखना है परवरदिगार दर्द मंदों की दवा कमज़ोरों की क़वत ना उम्मीदों की उम्मीद नंबर दो सबक से मौजू लफ्ज़ तलाश करके शब की खाका मुकम्मल कीजिए यहाँ पर सरगर्मी का सवाल है रुस्तम के लिए सौराब का तखातिब तो यहाँ पर हमको इसके जवाब लिखना है मोहतरम इंसान बहादुर बूढ़े दिल बूढ़े जवा हिम्मत बूढ़े फ़तेहमंद बूढ़े सरगर्मी नंबर तीन सबक से मौजू लफ़ तलाश करके शजरी खा का मुकम्मल कीजिए अब यहाँ पर साथी और सिपाही दिए गए हैं तो रस्तम और सौराब के साथी और सिपाहियों के नाम हमको लिखना है के केतूस और गौदर्स और सौराब होमान और बारमान नंबर चार सबक से मौजू लफ़्ज़ तलाश करके शजरी खा का मुकम्मल कीजिए अभी यहाँ पर सौराव सौराब का बाप उसकी माँ खानदान का चिराग घर का उजाला बाप जो है तो रुस्तम है माँ तहमीना है ख़ानदान का चिराग सामो निरहमान है घर का उजाला जाल वरोदा। नंबर पाँच सबक से मौजूल लफ्ज़ तलाश करके शबकी खाका मुकम्मल कीजिए यहाँ पर सवाल है सौराब का रुस्तम को भाग जाने का मशवरा आइए इसके चार जवाब देखिए अब मशवरे में क्या कहा गया है किसी दूसरी दुनिया में भाग जाओ रोस्तम ने सामो निर्माण के खानदान का चिराग बुझा दिया तीसरा है रुस्तम का कहीं भी छुप जाना और चौथा है सौराभ का बाप उसे ढूंढ निकालेगा सबक से मौजू लफ्ज़ तलाश करके शजरी खाका मुकम्मल कीजिए अब यहाँ पर सवाल दिया गया है ड्रामे के अहम किरदार अब रुस्तम के और सौराव के इनके किरदार लिखना है हमको जैसा रुस्तम वतन अहदा और रिश्ता सौराब तो का वतन अहदा और रिश्ता तो देखिए रुस्तम का वतन ईरान है रुस्तम का अहदा रु सिपा सालार है रुस्तम का रिश्ता सौराब का बाप है अब सौराब सौराब का वतन तौरान है और सौराब का अहदा सिपाही है और सौरा का रिश्ता रुस्तम का बेटा है अगली सरगर्मी हमारे पास शजरी खाका मुकम्मल कीजिए अब यहाँ पर रुस्तम दिया गया है उसका वतन आराम का मोहब्बत और मजबूर तो देखिए रुस्तम का वतन है मैदान जंग उसकी आराम का तलवारों की छाँव मोहब्बत ईरान और मजबूर फर्ज शब्द की खाका मुकम्मल कीजिए अब यहाँ पर सवाल है सौराब के लिए रुस्तम की तारीफ़ी कलमात देखिए तारीफ़ी कलमात चार है शाबाश सौराब शाबाश आफरी है तेरी बहादुरी को कितना बहादुर कितना ख़ूबसूरत ज़खीरा अल्फाज पर मुबनी नंबर तीन जैल के मतलब वाला लफ्ज़ तलाश करके लिखिए तो यहाँ पर नंबर एक है जंगो लड़ाई और नंबर दो है अरूज व खुशहाली तो इसके हमने अल्फाज क्या है लड़ाई व जंग यानी कि मोरका और ख़ुशहाली इकबाल इसी तरह से ऐसी ही से एक सरगर्मी है शजरी खाका मुकम्मल कीजिए यहाँ पर रिश्ते दिए गए हैं तहमीना का रिश्ता सौराब का रिश्ता सामो न रोस्तम तो तहमीना की माँ है सौराब बेटा है रोस्तम बाप है और सामो ख़ानदान है शब की खाका मुकम्मल कीजिए देखिए सवाल हमारे पास में रोस्तम के खुद को कोसने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं अंधे पागल जल्लाद हैवान से ज्यादा खूनी मानी वो मतलब लिखे नंबर एक घात में होना नंबर दो पाश पाश होना घात में होना यानी के ताक में होना दुश्मन को मारने के लिए छुप कर बैठना पाश पाश होना यानी के टुकड़े टुकड़े होना रेजा रेजा होना जैल में दिए हुए मौजुआत पर जाती राय तहरीर कीजिए अब यहाँ पर डरामे काज पर अपनी जाति राय तहरीर कीजिए ड्रामा रस्तम सौराब वाक़े की नोयीत के लिहाज एक ट्रेजडी है जूदार मकालमों और कश्मकश के लम्हात के बयान से ये एक शाहकार बन गया है बाप के हाथों बेटे के कत्ल का वाकिया बहुत बढ़िया अलमिया हैं डरामे में रस्तम सौराब के दरमियान मैदान जंग में दूसरे फैसले कन लड़ाई और उसमें रुस्तम का सहराब के सीने में खंजर खोब देना और फिर सहराब का अपने बाप रुस्तम का नाम लेना बाप बेटे का तारुफ बाप रुस्तम का इजहार तसुफ़ वगैरह पर मुश्तम हिस्सा नुक़रू क्लाइमिक्स है ज़ख्म इतना कारी है कि जिंदगी के आसार नज़र ना आए सहराब की गर्क होने वाली हालत बाप की बेबसी और शर्मिंदगी वगैरह को ड्रामा निगार ने मकालमात के ज़रिए ढंग से पेश किया है कि कारी व नाजिर पर जज्बात का हावी होना लाजिम है दूसरी राय हमारे पास में सौराव का रुस्तम को नसीब आजमाई का मौका देना इस पर अपनी जतीी राय तहरीर कीजिए रुस्तम को देख कर सौराप के तस्वूर में वही शबीहा उभरी जो उसकी माँ तहमीना ने उसके बाप रुस्तम के ताल्लुक से कायम की थी सौरा बार बार और कई तरीके से रुस्तम से कहता है कि वो बताए कि वो रुस्तम है लेकिन वो कबूल नहीं करता बहरहाल दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है पहले गुज़र से पहले गर्ज़ से फिर तलवारों से और तलवारें टूट जाने के बाद एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर आपस में जंग करते हैं और आखिर में सौराब रुस्तम को ज़मीन पर गिरा देता है और छाती पर चढ़कर कत्ल के इरादे से खंजर निकालता है रुस्तम सौरभ की कलाई पकड़ लेता है और कहता है कि वो ठहर जाए के ईरान के बहादुरों का दस्तूर है कि दुश्मन को दो मरतबा शिकस्त देने के बाद कत्ल करते हैं अगर उसे अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा है और उसके दिल में बहादुरों के दस्तूर की इज्जत है तो रुस्तम को दूसरे दिन नसीब आजमाई का एक मौका दे बहरहाल कल दूसरे दिन का फैसला किस्मत का आखिरी फैसला होगा पुराने ज़माने में जंगे और लड़ाइयाँ बहुत सारे उसूलों और जब्तों के मुताबिक लड़ी जाती थीं आगाज़ से पहले दोनों हरीफों की सफबंदी बड़े बड़े सुरमाओं पहलवानों के आगे आना पहलवान पहले उनके दरमियान लड़ाई का होना वगैरह रिवायत का रिवाज था जबकि उस दौर की जंगों में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती सहराब के पास रुस्तम को ख़त्म करने का मौका था और वो उसे अंजाम को पहुंचा भी सकता था लेकिन बहादुरों के कदम पर चलकर सोहराब सहराब ने अपने हकीकी बहादुर होने का सबूत फराम कर दिया है जाति राय की हमारे पास अगली सरगर्मी है बहादुरी का जेवर रहम है इस मौजू पर अपनी जाति राय तहरीर कीजिए पहले दिन लड़ाई में सौराब रुस्तम पर गाली जाता है और उसकी छाती पर चढ़कर कत्ल के इरादे से खंजर निकालता है रुस्तम सौराब की कलाई पकड़ लेता है और उसे ईरान के बहादुरों के उस दस्तूर का वास्ता देता है कि दुश्मन को दो मरतबा शिकस्त देने के बाद कत्ल करते हैं ये सुनकर सोहराब रोस्तम को लड़ाई का एक मौका ये कहकर देता है कि क्या इतनी मुख्तसर मुद्दत में फ़तेह व शिकस्त का उसूल हिरन और शेर की फितरत का कानून बदल जाएगा अगर उसकी खुशामद से इतने कम वक्त में ये सब हो सकता है तो हिफाजत ज़िंदगी के लिए वो उसे कल तक की मोहल्लत देता है और सीने से उठते हुए रोस्तम से कहता है मर्द का जेवर बहादुरी और बहादुरी का जेवर रहम है उमोमन मर्दानगी और बहादुरी के ताल्लुक से लोग गलती गलत फहमी और तकाफुर का शिकार होते हैं कमज़ोरों पर ताकत आजमाई को मर्दानगी समझा जाता है और जुल्म व जब्र बहादुरी का नाम दिया जाता है जतीि राय नंबर चार तो यहाँ पर हमको सहराब की मौत पर रुस्तम के नोहे का बयान पर इस मौजू पर जती राय तहरीर कीजिए रुस्तम और सौराब के दरमियान दो मर्तबा टकराव होता है दोनों के आगाज़ से पहले सौराब ईरानी बुजुर्ग रुस्तम बड़े अदब के साथ उसके रस्तम होने की बात कबूल करने की दरख्वास्त करता है लेकिन इज्जत और आबरू के खो जाने के डर से रुस्तम कबूल नहीं करता और वो सहराब के मकसद को समझ भी सका समझ भी नहीं सका सहराब ने भी ऐसा एक ऐसा एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से अदा नहीं किया जिससे रुस्तम मामले की नोयत को समझ सकता उसे तो मालूम भी नहीं था कि उसका सहराब नाम का कोई बेटा भी है रा... रहा रह गई बात रुस्तम की बीवी तहमीना की तो उसके शोहर रुस्तम को ख़बर की गई कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है इन हालात में बेखबरी में रुस्तम के हाथों सौरा मारा जाता है इस अलमनाक हादसे का असर रुस्तम पर शदीद तौर पर होता है सौराब के मर जाने के बाद उसने जो नोहे के अल्फाज कहे है उससे ड्रामा निगार आगा हशर काश्मीरी की फ़नी व अदबी सलायतों का पता चलता है आ जवानी का चिराग आगरी हिचकी लेकर बुझ गया बेरहमी ने मेरी उम्मीदों की रोशनी लूट ली अब लाखों चाँद हजारों सूरज मिलकर भी मेरे गम का अंधेरा दूर नहीं कर सकते आसमान मातम कर ज़मीन छाती पीट, दरख्तों पहाड़ों सितारों टकरा कर चूर चूर हो जाओ आज ही जिंदगी की कयामत है आज ही दुनिया का आखिरी दिन है जिंदगी दुनिया कहाँ है जिंदगी कहाँ है दुनिया जिंदगी सौराब के खून में और दुनिया रस्तम के आंसू में डूब गई और फिर रस्तम दीवानों की तरह पुकारता है सोहराब, सोहराब, सोहराब। किसी से इख्तलाफ के बावजूद उसकी तारीफ करने के बारे में इजहार ख्याल कीजिए राय में मामले में रिश्ते में इकदाम में इत्तेफाक इतफाक़्तलाफ का होना कोई अनोखा अम्र नहीं है बल्कि माशरती जिंदगी का जुजू लाइनिफिक है आम मुशाह है कि मामल में अपने किसी दोस्त रिश्तेदार या हम ख्याल व हम फिक्र साथी के गलती पर होने के बावजूद हम उसकी हिमायत करते हैं और फरीके सानी की ना सिर्फ मुखालफत करते हैं बग़ैर सोचे समझे जज्बात की रो में बह कर उस गरीब को बुरा भला भी कहते हैं हर चंद के वो फरीक सानी बरहक है लेकिन अपना नहीं है मगर हर माशरे में कुछ अफराद मस्कुरा किरदार के बिल्कुल बरअक्स होते हैं वो इख्लाफ की सूरत में बगैर सोचे समझे किसी एक जानब झुकाव जाहिर नहीं करते बल्कि मामले की नोयत का हर जाविये से जायजा लेने के बाद सही वो हक़ के लिए अपनी राय महफूज और जाहिर करते हैं वो बरहक फरीक भले ही मुखालिफ हो इसकी तारीफ व तौसीफ में कोई काट कसर नहीं की जाती किसी इंसान के किरदार का ये पहलू उसी वक्त उजागर होता है जब उसकी शख्सियत में नरम हुई खुश अखलाकी इनके सारी मुरत के मुनासर वाफिर होंगे फिक्र में मौजूद अनानियत तकाफुर सुखन परवरी के जज्बात सही व गलत और हक व बातिल के दरमियान तफरीक करने में हमारी रहनुमाई नहीं करते देखिए अगली जाती राय ज़ाति पास में गलती पर शर्मिंदा होने के बारे में अपनी जाती राय पेश कीजिए इंसान से जो आमाल वर्कत ज़ाहिर होते हैं सही व गलत मुनासिब व नामुनासिब और वाजिब व गैर व गैर वाजिब हर दो नुहमें से होते हैं बात का सही मुनासिब और वाजिब होना यहाँ मौज़ू नहीं है बल्कि उसका गलत नामनासिब और गैर वाजिब होना और फिर उस पर शर्मिंदा होना मौजू है इंसान गलती का पुतला है ग़लती इंसान से नहीं होगी तो किस से होंगी वगैरह रोज़मर्रा के शुरुफकरे हैं मैं उनकी मज़बी व फलसफियाना हैसियत से वाकफियत नहीं हूँ लेकिन इतना जानता हूँ कि ये इंसान को अपने गलत किए पर शर्मिंदा होने में माउन साबित होते हैं जिनकी हैसियत में गुरूर, अनानियत खुद परस्ती व इफ्तकार के मादे की कसरत होती है वो कभी अपने अमाल व हरक़त और फ़ैसलों व इकदाम का जायज़ा ही नहीं लेते तो फिर उन्हें अपने सही व गलत होने का पता नहीं चलता लेकिन जो लोग नरम नरम मिजाज साफ परवर होते हैं वो हर वक्त अपना एहतसाब करते रहते हैं अपने आमाल हरकत और फैसलों इकदाम का जायजा जायजा लेने में किसी गलती वो ख़ता और कमी वो नुक्स होने पर फौरन बेचैन हो उठते हैं शर्मिंदा होते हैं और माजूरत का इजहार करते हैं